मॉर्निंग पॉलिटेक्निक फैमिली, मैं विश्वजीत आज आप सबों को बताऊंगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन सी को किस प्रकार लॉन्च करते हैं और इसका हम फाइनल एग्जाम देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे एक लॉन्च कोर्स नज़र आ रहा होगा, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब हम इस क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस ढंग का आपको इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके कुछ देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमें एक्सेप्ट करने होंगे, उसके बाद ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हो पाएगा। तो पहला टर्म एंड कंडीशन को देखिए किस प्रकार हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओके। क्लिक करने के बाद आप देखिए हमारा किस ढंग से इंटरफेस, यहाँ देखिए एक बॉक्स नज़र आपको आ रहा होगा बाय चेकिंग द बॉक्स, तो इसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसको सबमिट करना होगा आपको। जब आप इसको सबमिट कीजिएगा तब फिर देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए ब्लू टिक लगना जरूरी है। फिर देखिए मेरा है वेलकम सर्वे सबमिट टू स्टार्ट दिस कोर्स, ये है, इसको हम क्लिक करेंगे। जब इसको हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, हम वेट कर लेंगे, थोड़ा लोड हो रहा है। हाँ देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें देना नेसेसरी है कि व्हाई डिड यू इनरोल दिस कोर्स, यह कोर्स में आपने इनरोल क्यों किया। तो आप दे सकते हैं कि मेरे एकेडमिक फील्ड में या सब्जेक्ट है, जॉब से करियर है, जो आपको इच्छा हो, तो हम एकेडमिक फील्ड दे देते हैं। उसके बाद है क्या कि आपने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस लिया है, तो आप अपने अनुसार यदि कोई एक्सपीरियंस लिए हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस में क्लिक कर देना है। फिर नीचे आना है और यहाँ देखिए हमें यस करना, यदि आप यस किए हैं तो आप कौन सा कोर्स किए हैं आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अदर का भी ऑप्शन है, यदि नहीं किए तो इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि आप जो है एक पेड ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो आप इसको नो करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे नो कर दिए, ओके। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट कर, आप जो है किस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम तो अभी हम लोग टेक्निकल स्कूल में हैं, तो यहाँ देखिए सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट में हम क्लिक करेंगे, ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ है कि आपका जेंडर पूछा गया है मेल या फीमेल, तो आपका जो है उस ढंग से हम डालेंगे। फिर आपका एज पूछा गया है यहाँ पे कि आप किस एज के हैं, तो मैक्सिमम 20 से 24 या 15 से 9 होंगे, तो हम 20 से 24 करके यहाँ पे देखिए एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, हम सबमिट को क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट करेंगे तब देखिए आपका हो गया कि आपने सर्वे को कंप्लीट कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट आगे आएंगे। नेक्स्ट में देखिए ये दोनों क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अगर आप मॉड्यूल टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो यहाँ देखिए सी एसेंशियल पार्ट वन समरी टेस्ट दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे है ना पार्ट वन समरी टेस्ट, तो हम समरी टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। देखिए जिस प्रकार ही हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस ढंग से मेरा इंटरफेस खुल जाएगा, है ना, कि सी एसेंशियल पार्ट वन समरी टेस्ट, यहाँ से हम प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे, ओके।